यहाँ है 1.5 लाख औलिया के मज़ारात। 1.5 लाख तो साड़ियाँ रूट्स है, वो शहर देख रहे हैं तो कितना सोहना शहर बनाया यार, इतने हर चीज़ मौजूद है। क्योंकि मैं भी बहावलपुरी ही हैं, तुम मान लो मैं भी बहावलपुरी ही हैं, ठीक है। वेलकम बैक टू अवर चैनल जी का नाम है पंजाबी रियल टीवी। मैं थोड़ा दोस्त सनमीत सिंह, अज की वीडियो थोड़े पाकिस्तान की एक सिटी की बहुत ही सोहनी डॉक्यूमेंट्री है, बहावलपुर। बहावलपुर एक बहुत वधिया डिस्ट्रिक्ट है तुहाडे उधर पाकिस्तान की। वैसे तो मैं दस्या होया पर कईयां नूं शायद नहीं पता होना, उधर एक नूरसर पिंड हुंदा सीगा, असी उस पिंड तो हाँ, साडा पिछोकड़ उधरले पिंड दा, पर उहदा नाम चेंज हो गया, कोई उहनूं नूरपुर कह रहा जां कई कह रहा कि उहनूं बहावलपुर दे विच ही मर्ज कर दिता गया। सो इह समां सीगा उदों पार्टीशन दा, मेरे जो दादा जी ने उधरों आए सी, उस टाइम सीगे 7-8 सालां दे जदों उह उस टाइम उधरों आए सी। सो तां बहावलपुर नाल थोड़ा जिहा जदों बहावलपुर नाम आउंदा ना, जां मैनूं कोई इंस्टा ते दसदा कि भाजी असीं बहावलपुर तों, तां इक कनैक्शन जिहा आटोमैटिकली फील हुंदा, हालांकि मैं जगह नहीं देखी ना, मैनूं पता कि साडा घर कित्थे सी, कोई कोई डिटेल नहीं है। जे डिटेल हुंदी तां हुण तक शायद मैं उत्थे आ जांदा, पहुँचया हुंदा है ना, ते पर डिटेल है नहीं कोई। सो आटोमैटिकली बहावलपुर नाल एक ना यू नो एक सेंसिटिव इमोशन है जिहड़े उह हैगे जुड़े हुए। सो वीडियो देखते हैं जी, कहिंदे जी बहुत खूबसूरत वीडियो है, सो देखते हैं जरूर। उस तो पहले अपने चैनल में सबसक्राइब कर लियो, पक्का चक दो फटे एंड आपका हैंड जरा रेज कर लियो जे बंदे बहावलपुर तो है। बहावलपुरिए सारे इकट्ठे हो गए, अपने नज़ारे बन देने, जिहड़ा भी बंदा बहावलपुर का जो शेयर ना किया यार मैं गुस्से हो जाना। वीडियो शेयर करनी तुहाडा तां पूरा फर्ज है, तो बाकी भी शेयर करो यार, चक दो फटे आ जाओ। डिस्कवर पाकिस्तान बहावलपुर है। उधर जंगल भी है, चलो अगे सारा कुछ वीडियो चाहू गई, चलो देख रहे हैं। पुरानिया बिल्डिंगा बहुत है उत्थे, क्योंकि रियासत सी यार वो। एक सहराए चोलिस्तान के किनारे आबाद एक ऐसा जिला जिसे सतलुज की रवानी का बरसों से है साथ मिला, जो पाकिस्तान के पंजाब की है एक तारीखी तस्वीर भी, वो कदीमी यादों से है लिखी गई एक तहरीर भी, जिस आजाद रियासत का दिल गया पाकिस्तान की जानिब, आज कहलाता बहुत बड़ा लग रहा है यार, सूबा पंजाब का एक कीमती जिला बहावलपुर। बहावल, बहावल में ना तो किसी ने बहाल कर देना, शायद उतो बनिया बहावलपुर। ये सरजमीन है तपते हुए रेगिस्तानों की, अच्छा, और जन्नत है सरसब्ज नखलिस्तानों की। नवाब बहावल खान अब्बासी ने 1748 में इस शहर की बुनियाद रखी। सही हो गया। कुदरत ने इब्तदा ही से ये रियासत आजाद रखी। कायदे आजम से नवाब सादिक खान की अकीदत ऐसा रंग लाई के 7 अक्टूबर 1947 को ये आजाद रियासत भी पाकिस्तान का हिस्सा कहलाई। अच्छा, पहले है आजाद एक वक्री रियासत सी, बाद जो इन्हें पाकिस्तान जो पुराने बहावलपुर के गिर्द कभी हुआ करती थी एक मजबूत दीवार, अच्छा, जिसके 7 दरवाजों से कभी दाखिल होते थे राहदार। अरे वाह, एक वक्री एक देश सी, इन तारीखी दरवाजों ने आज भी रखा है अंदरून बहावलपुर के माजी की हसीन यादों को समेट। हाँ, नई चीज पता लगी आज यार। आज भी उसी शान से खड़े हैं यहाँ शिकारपुरी, दरावड़ी, अहमदपुरी, मोरी, बोहड़, मुल्तानी और फरीद गेट। छे हो गए था कि 7 हो गए, 7 क्या सुने ना मैंने यार। बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है बहावलपुर ना।
दो सदियों तक इस सरजमी पर नवाबों का राज रहा, इसीलिए ये शहर आज भी नवाबों का शहर है कहलाता है। हवेलियां बहुत अमीर लगे थे। यहाँ आज भी है अजीम शान माजी का गुजरा हुआ हर पहर, इसीलिए इसे कहा जाता है महल्लात का शहर। आज मेरे ख्याल पर कई वो महल्लात के जिनमें आज भी रहता है बादशाहों का गुजरा हुआ शाहाना कल। उनमें नूर महल, दरबार महल और है गुलजार महल। पूरी रॉयल फीलिंग हो रही है ना देख के। यहाँ मौजूद है एक महल ऐसा भी जिसे ना देखने पर सयाहों का नहीं चलता कोई बस। अच्छा। वो है नवाबों का तराशा सबसे बड़ा सादिक पैलेस। अच्छा। आज ये जिला 5 तहसीलों का है मान, जिनमें बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, हासिलपुर, खैरपुर टामे वाली और पांचवी है मंडी यजमान। अच्छा, 5 तहसीलें के अंदर आ रही है। वाह। बहावलपुर वाले हो, हेट लाइक ठोक दो, एक किला भी है थोड़ा। पंजाब के इस कदीमी शहर की है अपनी ही एक अलग अहमियत। सतलुज के किनारे दिखाई देती है कला दरावड़ की अजब शान और शौकत। इस कले के नजारे हर आंख को हैं भाते, ऐसे शानदार जलवे किसी और कले में नजर नहीं आते। अच्छा, लाइक। इसी कले के करीब तारीख के लाजवाब हुस्न के और भी सबूत हैं मिलते, दिखाई देते हैं जब आंखों को यहां अब्बासी मस्जिद के जलवे। जिहड़ी पुरानी काश्तकारी कीती है ना इन्होंने, बड़ा बरीक बरीक वर्क किया होंदा दीवारां दे, वो अजकल आ देखो आ चीज कलर कितना सोहना लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। बहावलपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाके एक ऐसी जगह जिसका नहीं कोई हरीफ। अच्छा। वो है बरे सगीर का वाहिद नूरानी और रूहानी मकाम कुछ शरीफ। ये डिज्नीलैंड तुसी सुनया होना ना, डिज्नी दिया जिन्निया भी इमारतां है उदां दी एक लुक आ रही है देखने च। यहाँ सूफिया की रौनक से सजते हैं दिन और रात। एक रिवायत के मुताबिक यहाँ हैं 1.5 लाख औलिया के मजारात। 1.5 लाख। दरियाए सतलुज पर 1878 में रेल का एक पुल तामीर हुआ। ठीक है। 150 साल बाद भी ये पुल एम्प्रेस ब्रिज के नाम से है जाना जाता। अरे क्या कितना सोना जानवर है। बहावलपुर से 40 किलोमीटर दूर वाके है जंगली हयात के मस्कन का एक कुदरती आसरा। क्या बात। सहरा, जंगल और पानी इकट्ठे हैं जहां, वो है यहाँ का पार्क लाल सुहानरा। ये बारे भी नहीं आपने पता चाहिए, पहली बार इस वीडियो से पता लग गया, बाकमाल वीडियो है। क्या बात है यार, तुम मतलब कुदरत का खजाना सांभिया होया है ना। गाइस वीडियो पूरी देखियो, छोड़ के ना जाओ कोई भी। सैकड़ों बरस पहले के हुक्मरानों ने तालीम से मोहब्बत का सबूत कुछ यूं दिया के रकबे के एतबार से यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सादिक पब्लिक स्कूल बनवाया। क्या बात है भाई। तालीम की ये लहर यूं ही आगे बढ़ती गई और 1925 में यहाँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी।
जिन्होंने बहावलपुर के आने वाले कल हैं संवारे। वो है कायदे आजम मेडिकल कॉलेज, सादिक अजर्टन कॉलेज, गवर्नमेंट सादिक कॉलेज, विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कामयाब तालीमी इदारे। ۱۹۰۶ था बहावलपुर की तारीख का एक ऐसा कीमती साल जिसमें कायम हुआ इस खित्ते का सबसे पहला और बेहतरीन विक्टोरिया अस्पताल। देखो डिजाइन देखो पुराने जमाने में बना हुआ है, आज भी ताजा दम रखे हुए है बहावलपुर का अजायब घर। पुराना सारा कुछ म्यूजियम बनाया गया, वाह। यहाँ है लाहौर के बाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा चिड़ियाघर। अच्छा पहला लाहौर चल, ठीक है। खत्मे नबूवत चौक में आज भी नस्ब है वो फव्वारा, मलका विक्टोरिया ने था जिसे तोहफे में दिया। क्या बात है। यहाँ देखने को मिलता है मयारी खेलों का भी वजूद। यहाँ है इंटरनेशनल मयार का क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद। क्या बात है, आए लग रहे यार मैं अपना शहर देख रहे हैं। स्पोर्ट्स के मैदान हैं सजाए जाते, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल और रेस जैसे खेल यहाँ बड़े शौक से हैं खेले जाते। सही है सही है, चाक दो फटे जवानों। आज बहावलपुर में है राज दौरे जदीद का हर नया रिवाज। अच्छा यहाँ भी है अब बुलंदो बाला रहायशियो कमर्शियल इमारात ब्रांड्स, जिन्होंने ब्रांड का शौक है। जहाँ जदीद तर्ज़े जिंदगी के सजे हैं सभी रास्ते, वो है बहावलपुर का इंतहाई खूबसूरत DHA। बकरी एक कोलोमना इस भी कितना हुआ है, क्या बात है। जहाँ छाई रहती है हर वक्त ही रौनक की बहार, वो है यहाँ का तारीखी और मशहूर शाही बाजार। यहाँ भी जिंदगी की रौनक से सजे हैं दिन रात फरीद गेट, बहावलपुर सेंट्रल लाइब्रेरी, सराइकी चौक में पानी का कुआं, जामे मस्जिद, सादिक मकबरा, बीबी जूंदी, SS वर्ल्ड फैमिली पार्क, क्या बात है, कितनी सोनी बिल्डिंग है ये। हैं यहाँ के अहम तारीखी और तफरीही मकामात। यहाँ के लोग उम्दा और लजीज खाबों के हैं दीवाने। ताइयों मेनू खान दा बहुत शौक है। शायगान कुल्फी, बाबा चावल वाला, कैप्टन के सीरी पाए, इसके अलावा यहाँ पकाए जाते हैं बहुत से लाजवाब खाने। एक से बढ़कर एक अहम शख्सियत है इस मर्दम खेज मट्टी से जुड़ी, जहूर नजर, मोहम्मद खालिद अख्तर, दिलशाद कलांचवी, नोशी गेलानी, हॉकी के प्लेयर मतीउल्ला और समीउल्ला, इसके अलावा हर महफिल लूट लेने वाली मुर्तजा हसन उर्फ मस्ताना जैसी हस्ती। जिंदगी की गाड़ी में बैठकर बस चलते ही ना जाइए, सफर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जरा बहावलपुर तो तशरीफ लाइए। क्या बात है, जरा नरेटर है बंदा बहुत बढ़िया बोलिया इन्होंने, क्या बात है, सुपर मजा आ गया। सो गाइस ये सी आई दी एक वीडियो, यार बिलीव मी मजा आ गया। मैनू इदा लग रहा है कि मैं ना अपना शहर देख रहा कि जितों साडियां रूट्स आ वो शहर देख रहे हैं, तो कितना सोहना शहर बनाया यार, इतने हर चीज़ मौजूद आ, चाहे वह हॉस्पिटल्स हो, चाहे एजुकेशन सैक्टर हो, चाहे एंटरटेनमेंट सैक्टर हो,
ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੌਸਕ ਹੈ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਆਖੇ ਜੀ ਖੁਦ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੈ। ਅਰੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਾਹ ਕਮਾਲ ਬਈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਾਈਕ ਠੋਕੋ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੈਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਆ ਗਈ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਿਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਅੱਜ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਸੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਯਾਰ ਜਿਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਇਹ ਦੋ ਤਾਂ ਦੀ ਮਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਦਾ ਮਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਆ ਹੁਣ ਐਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।